दोस्तों, अगर आपके पास भी 5 पैसा का अकाउंट है और आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 5 पैसे के अकाउंट को लिंक कर सकते हो एल्गो ट्रेडिंग के लिए और एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रवीण राणा और आप देख रहे हैं एल्गो क्रैप का वीडियो ट्यूटोरियल। एल्गो क्रैप के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। तो दोस्तों, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है एल्गो क्रैप की वेबसाइट। URL है www.algocrab.com, यानी कि www.algocrab.com को जब आप क्लिक करके एंटर करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 6 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। जब भी आप रजिस्टर करते हैं तो आप एल्गो क्रैप की सारी सर्विसेज 6 डेज फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या होगा, आपको साइन अप पे जाना होगा। यहाँ पर साइन अप का टॉप राइट में बटन दिख रहा है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो एक साइन अप का पेज ओपन करता है इस तरीके से। इस पेज पे आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी होती है और उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको OTP आएगा। वो OTP डाल के पासवर्ड डाल के आप साइन अप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आप साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको साइन इन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है तो मैं आपको साइन इन करके दिखा रहा हूँ। जब आप साइन इन करते हैं तो इस तरीके की एक स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, ये स्क्रीन है दोस्तों स्ट्रेटजीज़ की, यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे प्री डिफाइंड जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। और उनको यूज़ करने के लिए आपको किसी भी तरीके की टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है और आपको कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन से ही ये सारा का सारा काम ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज़ दिख रही हैं। ये अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं, इनमें से कोई भी स्ट्रेटजी आप अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इतनी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी परचेज़ करूँ, ये तो कंफ्यूज कर देगा। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। प्लेटफॉर्म पर आपको जब आप स्ट्रेटजीज़ के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ आपको हीट मैप का सेक्शन मिलता है। ठीक है, हीट मैप के सेक्शन में आप तो यहाँ पर किसी भी स्ट्रेटजी पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में कौन से सिग्नल्स अच्छा काम कर रहे हैं। लेट सपोज मैं मनी मशीन पे क्लिक करता हूँ तो फ्रॉम दी 1 जुलाई टू 20 जुलाई ये रिज़ल्ट हैं स्ट्रेटजी के, जिसमें 100% एक्यूरेसी आपको देखने को मिल रही है काफ़ी सारे सिंबल्स में। वहीं कुछ सिंबल्स में आपको 80% 77% के आसपास भी एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली चूज़ कर पाएंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी और कौन से सिंबल आपके लिए बेस्ट हैं। तो यहाँ से आप अपने आप चूज़ कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सिंबल में आप अगर ट्रेड करते हैं तो उस सिंबल में कौन से स्ट्रेटजी में बेस्ट एक्यूरेसी आ रही है, उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं। मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो अगर मूविंग एवरेज आप यूज़ करते हो तो ये वाली मूविंग एवरेज हमारी यूज़ कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग स्ट्रेटजीज़ की परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिख रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अतुल एक के नाम से आ रहा है जिसमें 90% एक्यूरेसी है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर डिटेल दिखाएगा, जैसे कि 20 तारीख यानी कि आज भी इसमें सेल का सिग्नल आया था अतुल में, जिसका टारगेट 1 अचीव हो गया है। ऐसे ही आपका ये 19 तारीख को कल बाई का सिग्नल आया था जिसमें टारगेट 2 अचीव हो गया था। उसे पिछले दिन आप देखेंगे टारगेट 2 अचीव हो गया था और टारगेट 3 अचीव हो गया था। स्टॉप लॉस टारगेट 1 के बाद स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पर कॉल क्लोज हो गई, यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रही है कि कौन सी स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है। और सिंबल वाइज भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अतुल के सिंबल पे क्लिक किया, उसी तरीके से आप मान लीजिए किसी और स्ट्रेटजी पे ऑप्टिमम पे जाना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर एक सुपर ट्रेंड भी है, सुपर ट्रेंड बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो सुपर ट्रेंड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सुपर ट्रेंड में इस महीने कौन सी स्ट्रेटजीज बढ़िया काम कर रही हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर टाइम को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें कि मैं पिछले महीने से देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 जून से लेके जो भी यहाँ पर डेटा है वो सब दिखाएगा आपको कि 1 जून से लेके 1 महीने में कौन से सिंबल्स की बढ़िया एक्यूरेसी रही और क्या क्या परफॉर्मेंस दिया। जैसे यहाँ पर NMDC में आपको मिल रहा है 75% एक्यूरेसी देखने को मिल रही है, और यहाँ पे बंधन बैंक में आपको 75% की एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। मान लीजिए मैं अगर NMDC पर क्लिक करता हूँ तो वहाँ की मुझे सारी जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से, यहाँ पर देखिए टारगेट 3 लगा, टारगेट 3, उसके बाद टारगेट 1। तो इस तरीके से आप टारगेट और स्टॉप लॉस भी आप पूरी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आराम से आपको पता लग जाता है कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बढ़िया है और कौन सी स्ट्रेटजी में कौन से सिंबल में आपको ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ से जब आप चूज़ कर लेते हैं सिंबल, उसके बाद आपको सिर्फ सिंबल को लगाकर स्टार्ट करना है और कुछ नहीं करना। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊँगा सबसे पहले प्रोसेस पे और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस पे, जो है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन यानी अपने ब्रोकर को यहाँ पर लिंक करना।
यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 5paisa को हम सबसे पहले सिलेक्ट कर रहे हैं। 5paisa की कुछ डिटेल्स यहाँ पर मांग रहा है आपसे, क्लाइंट आईडी, ऐप सोर्स और ऐप API, यूज़र की, ऐप नेम, सीक्रेट, ये सारी डिटेल। अब आप कंफ्यूज मत होना कि ये सारी डिटेल मेरे पास तो है नहीं, मैं कहाँ से डालूंगा। आपको अपना 5paisa का अकाउंट खोलना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है मेन्यू में और यहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा डेवलपर API, यहाँ पर एक आ रहा है गेट API कीज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, ऐप नेम, ऐप सोर्स, यूज़र ID, पासवर्ड, यूज़र की, एनक्रिप्टेड की, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देनी है, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बाकी की जो ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल्स हैं, यहाँ पर क्लाइंट ID में आपका ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल आएगा, यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड डालना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। लेकिन जब आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो एक बात आपको बहुत खास ही ध्यान रखनी है कि डेट ऑफ बर्थ को आपको रिवर्स लिखना है, यानी कि YY YY MM DD, इस तरीके से लिखना है। यानी कि पहले ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर डे लिखना है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो वो प्रॉपरली काम करेगा। अगर आपने इस डायरेक्ट लिखा डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, तो यहाँ पर आपको एरर आ सकती है, ठीक है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ये टोकन लेने के लिए जाता है और वापस हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। अगर ये वापस हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गया, इसका मतलब आपको टोकन मिल गया। उसके बाद आप यहाँ पर वैलिडेट टोकन पे क्लिक करेंगे और वैलिडेट टोकन पे क्लिक करने के बाद आपको दिखा मिलेगा टोकन वैलिड, ठीक है, एक्सेस टोकन वैलिड। इसका मतलब अब आपकी ट्रेडिंग आराम से होती रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। यहाँ पर स्ट्रेटजीज के सेक्शन में गए, आपका ब्रोकर लिंक हो गया, ये काम आपको डेली करना है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपने। आपको कभी भी इसको मिस नहीं करना, अगर आपने मिस किया तो फिर आपका ट्रेडिंग होने में प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। तो अब क्या करना होगा दोस्तों, अब हमें जाना होगा कस्टमाइज स्ट्रेटजी में। कस्टमाइज स्ट्रेटजी में हमें अपना सिंबल क्रिएट करना है, जिस भी सिंबल में हमें ट्रेड करना है। लेट सपोज हमें SBIN में ट्रेड करना है, तो हम यहाँ पर SBIN लिखेंगे, और NSE का अगर SBI करना है तो NSE में जाके सर्च करेंगे। यहाँ पर SBIN के सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। हमें ये वाला यूज़ करना है जो जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये वाला इक्विटी का है। बाकी के अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो हमें इक्विटी का यूज़ करना है तो इक्विटी का यूज़ करना है। मान लीजिए वहीं आपको अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है तो आपको क्या करना होगा, SBIN यहाँ पर जुलाई, JUL और उसके बाद FUT, ठीक है, ये आ गया SBIN का जुलाई फ्यूचर। ऑप्शन करनी है तो ऑप्शन के लिए उस हिसाब से आप सर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर आपको रेगुलर ऑर्डर करना है, ब्रैकेट ऑर्डर करना है, कवर ऑर्डर करना है, ये सारी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है। नॉर्मल करना है ट्रेड, MIS करना है, CNC करना है, ये भी आप चूज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे MIS करना है तो मैं MIS चूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं मनी मशीन की स्ट्रेटजी यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद ट्रेड मार्केट में जाना चाहिए, लिमिट में, SL में, मार्केट में प्रेफर करूंगा। स्टॉप लॉस ऑन करना है आपको या ऑफ, डिफॉल्ट ये ऑन है और टारगेट 1 पे क्लिक्ड है। आप चाहें तो टारगेट 2, टारगेट 3 जो भी चाहें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखनी है, मान लीजिए 1500 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने लिख दी। लिखने के बाद मुझे यहाँ पे स्टार्ट का बटन प्रेस करना है, बस। अब स्टार्ट का बटन प्रेस करने के बाद ये यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये रेड कलर का जो बटन है इससे हमें स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद इसका कलर चेंज होकर ब्लैक हो जाएगा, इतना ही काम करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। आपका ट्रेड उसके बाद अपने आप होता रहेगा, जैसे ही मनी मशीन के सिग्नल में, SBIN में सिग्नल आएगा, आपका ट्रेड अपने आप परफॉर्म हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपना काम कर सकते हैं, जो भी आप अपना काम कर रहे हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। शाम को आके अपना देख सकते हैं कि भाई क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या ट्रेड आया, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस है। अब यहाँ पे ये है एक तरीका। इसके अलावा आगे अगर आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कुछ अपनी कोई स्ट्रेटजी है तो उसको आप हमारे प्लेटफॉर्म से कैसे लिंक कर सकते हैं। वहीं मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, और किस तरीके से आप यहाँ पर ब्रिजिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने किसी चार्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।